प्राची अपना सारा सामान पैक करके रणबीर से आखिरी मुलाकात करने के बाद चली जाएगी घर से बाहर और कहानी को पढ़ा दिया जाएगा एक महीना आगे और सिद्धार्थ लाएगा एक महीने बाद रिया की असली सच्चाई रणबीर के सामने, जिससे हिल जाएगा रणबीर और रणबीर मांगेगा प्राची से माफी। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में प्राची अपना सारा सामान लेकर घर छोड़कर जा रही होगी। तभी रणबीर प्राची को आखिरी बार गले लगा लेगा और दोनों रोते हुए एक दूसरे को बहुत सारा प्यार करेंगे, लेकिन वो सिर्फ प्राची का एक सपना निकलेगा, जिस वजह से प्राची असलियत में रणबीर को देखकर अपने सपने के बारे में बताएगी और कहेगी कि मैंने अभी अभी अपने सपने में देखा कि हमने एक दूसरे को हक किया और एक दूसरे को आखिरी बार बहुत सारा प्यार किया। तब यह सुनकर रणबीर गुस्से से कहेगा कि हम सपने में एक दूसरे के साथ तो प्यार तो कर सकते हैं, लेकिन धोखा कभी नहीं, क्योंकि असल जिंदगी में मैंने तुमसे धोखा खाया है। यह सुनकर प्राची के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और प्राची आखिरी बार रणबीर को कहकर जाएगी कि जब तुम्हारे सामने असली जाएगा और मेरे पास तुम माफी मांगने के लिए आओगे, तब मैं तुम्हें शायद माफ नहीं कर पाऊंगी। ये प्राची के मुंह से सुनकर रणबीर कुछ नहीं बोलेगा और प्राची अपना सारा सामान लेकर चुपचाप घर से बाहर चली जाएगी और सीधे अपनी माँ प्रज्ञा के घर सुषमा के पास जाएगी। वहीं जब सिद्धार्थ सच्चाई का पता लगाकर होटल से घर आएगा, तब पल्लवी और रणबीर के पापा सफेद कपड़े पहनकर सिद्धार्थ की घर पे श्रद्धांजलि करेंगे, जहाँ पर जब सिद्धार्थ पल्लवी से पूछेगा कि आप ये क्या करी है, तब पल्लवी गुस्से से सिद्धार्थ को कहेगी कि क्या पर तुम्हारी श्रद्धांजलि हो रही है, तुम हमारे लिए मर चुके हो। तब सिद्धार्थ कई बार समझाने की कोशिश करेगा कि जैसा आप लोग सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, आप सभी को गलत फहमी हुई है। और खुलासा करते हुए जब सिद्धार्थ रणबीर को कहने के लिए जाएगा कि मैं और प्राची होटल में सिर्फ प्राची के माँ बाप के कातिलों का पता लगाने के लिए गए थे और हमें फंसाया गया है, तब रणबीर पल्लवी और रणबीर के पापा कोई भी सिद्धार्थ की बातें नहीं सुनेगा, जिस वजह से प्राची के साथ साथ सिद्धार्थ को भी निकाल देंगे घर से बाहर, जिसके बाद सीरियल की कहानी को पढ़ा दिया जाएगा एक महीना आगे, जहाँ पर रणबीर एक सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन चुका होगा और रणबीर के बॉडीगार्ड के साथ सूट बूट में अपने ऑफिस में चश्मा लगाकर काफी धमाकेदार एंट्री होगी, जिसके दिल में कोई भी प्यार नहीं होगा, सिर्फ रणबीर के दिल में बिजनेस और पैसे कमाने के लिए जुनून होगा। वही प्राची प्रज्ञा की सारी कंपनी और सारी फैक्ट्रीज को हैंडल करी होगी और हजारों करोड़ की मालकिन होगी और प्राची के दिल में भी सरासा भी किसी के लिए प्यार नहीं होगा, बस सिर्फ एक दिल में नफरत होगी, जिस वजह से रणबीर के सामने रिया की असली सच्चाई एक महीने बाद तब आएगी, जब एक महीने बाद भी सिद्धार्थ असली सच्चाई का पता लगा रहा होगा, जहाँ पर सिद्धार्थ आखिरी होटल के सीसीटीवी कैमरे के जरिए फाइनली आखिर में एक महीने बाद पता लगा लेगा कि उस दिन जो होटल में प्राची और सिद्धार्थ के साथ यानी कि उसके साथ जो हुआ था वो और किसी का प्लान नहीं बल्कि रिया और उसकी बूजी आलिया का था। ये सिद्धार्थ एक महीने बाद पता लगा लेगा और यह सच्चाई जब सिद्धार्थ रणबीर को एक महीने बाद बताएगा, तब रणबीर के होश उड़ जाएंगे और रणबीर को एहसास होगा कि रिया ने उसे प्राची से अलग करने के लिए एक सबसे बड़ी चाल चली थी और एहसास होगा कि प्राची ने असली सच्चाई बताने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसने प्राची की एक बात नहीं सुनी और भरोसा नहीं किया, जिस वजह से रणबीर प्राची से माफी मांगने के लिए जाएगा, लेकिन प्राची माफ नहीं करेगी। और जब रणबीर प्राची से माफी मांगने के लिए आएगा, तब प्राची को रणबीर को माफ कर देना चाहिए क्या नहीं, और यह की असली सच्चाई आनी चाहिए क्या नहीं, और प्राची के साथ बुरा होगा तो इसके बारे में आपकी राय क्या है, ये सब हमें कॉमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।